बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन और भैया, अल्लाह ताला खुश रखे, शादोबाद रखे, हर आने वाली दुख तकलीफ तो नजात दे। दोबारा आज की वीडियो शुरू कर दें, शुरू करने से पहले छोटी जी अर्ज करते हैं, जिस बहन भाई साढ़ा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बैल का बटन प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो कुछ इस तरह वा कि मेरे घर मेहमान आ चुके हैं तो उन्होंने पानी शानी पिलाता, उस तो बाद मैं कर ही खाने की तैयारी, तो जिमें भी खाने की तैयारी करा, मैं अपने भैन भाई लाजमी शेयर करा कि वो मेरे घर मेहमान जड़े आए हैं और बहुत खास 3-4 साल बाद आए मेरे को मेहमान, तो मैं बहुत खुश हाँ, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, जैन के पापा भी बहुत खुश है, और उन्होंने मैं बाहर बरामदे बिठाया पंखा लगा के, क्यों कमरे में तो बहुत शदीद गर्मी है तो इस करके उन्होंने बाहर बिठाया। मैं हूँ खाने की तैयारी कर लव, जिम्मे खाने की तैयारी करती हूँ, अपने घर में लाजमी शेयर करती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, किचन में ही बना रही हैं, बाहर हवा चल रही है, मैं चला रही हूँ चूल्हे में अग, उपर रख लें आयल पा लिया, आयल थोड़ी देर बहुत ज्यादा पानी पी लिया, तेजी सा गर्म हो गया और ना लग गया मेरे प्याज पा रहा, प्याज साढ़े हल्के ब्राउन हो गए हैं, इन्हों में मैं टमाटर और सब्ज मिर्च ऐड कर दूँगी, मेरे तक भुना भी जिन्हें टमाटर से गल नहीं लगे जिन्हें गल जाएंगे, फिर अभी बना रही हैं चिकन बना रही हैं मेहमानों वास्ते, सॉरी मैं गर्मी नहीं ज़्यादा से मैं दसना भूल गई अपने भैन भाई, मैं बना रही अपने मेहमानों वास्ते चिकन, और चिकन के नाल पता नहीं या मीठा चलेगा दायरी गल, माशा मैं टमाटर और सब्ज मिर्च और प्याज अच्छा ठीक है मिक्स हो चुका है, मैं पा रही हूँ चिकन, चिकन मैं ऐड कर लिया अच्छे तरीके मैंने फ्राई कर दी, ये भुज लगा अच्छे तरीके फिर बीच मेरे लसन ऐड कर दें, लसन और अदरक का पेस्ट अच्छे तरीके भून लेंगे, पौड़े मसाले मिक्स कर दिए, पौड़े मसाले नमक हल्दी पीसा धनिया और रेड मिर्च थोड़ा जिन्ना गर्म मसाला और ऐड कर दें, अच्छे तरीके मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके भून लेंगे, थोड़ा जी मैं पानी लगा नहीं ताकि ये जी हल्दी या मसाले वगैरह लगे बिल्कुल जी। माशाल्लाह चिकन मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, नाली में मीठा बना रही हूँ, मीठे च बना रही हूँ रंगीन सवैया, लो जी माशाल्लाह जी सालन बहुत अच्छा तैयार हो गया, नहीं मैं शुक्र करूँगी कि मेहमान पसंद आ जाए, ऊपर मैं रखता माशाल्लाह दूध उबलना, दूध उबलना फिर मैं सवैया बनानी, माशाल्लाह जी सवैया मेरी बहुत प्यारियाँ बन चलियाँ, सवैया बिच पाती मैं और ये मैं सौगी और ठूठी दोनों चीज़ा कुछ मूली गंढा करे पाइया कुछ बरीक बरीक कट के पाइया, और अच्छा साल अच्छा मतलब ये अच्छे से तैयार हो गए, देखो कैसिया बन गया। लो जी खाना मैं बिल्कुल रेडी कर चुकी हूँ, खाना मैं बिल्कुल तैयार हो गया और मैं खाना लगाता हूँ असी मतलब कि खाना खाने हैं, मैं खाली सोइया खावगी, मेहमान खाना खाने का मैं चिकन नहीं खाना, जरूर कहना बन सकते पहले हीरा ही नाल बैठा सी उधर घूम घुमा के हूँ मेरे को आ गया,
बहुत खुश हो रहा है मेहमान देखकर, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा खुश ने कि ज़ुबैर भाई आया बहुत काफी अरसे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन 4 साल के बाद मैं पप्पा जी के हाथ का खाना खाने लगा हूँ, क्योंकि 4 साल मैं यहाँ पे नहीं आया। तो इनके हाथ का जो खाना है ना, टेस्ट है वो, उसकी तो क्या ही बात है। तो बहुत ही मज़े का टेस्टी खाना बनाती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है खाने खाने को। तो अभी खाना खाते हैं क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, और वैसे भी खाना देख के मुझे तो और ज़्यादा भूख लग गई है। तो खाना खाते हैं, उसके बाद फिर जो भी सीन हुआ वो साथ साथ मुझसे शेयर करेंगे। ये मेरी फूफा जान है और ये इनका सबसे छोटा बेटा है। तो अपने फूफा जान से भी अभी आपको मिलवाएंगे, वो भी बस आते ही होंगे क्योंकि बाजार गए हुए थे। अभी बस उनका ही वेट कर रहे हैं, जैसे वो आते हैं तो फिर साथ मिल के खाना खाते हैं। जी जी, तो सवैया ने नाल सलाद वगैरह बनाया, रायता बनाया नहीं। ज़ुबैर कह रहे पप्पू ना बनाओ, तो खाली बस सियाही के लगेंगे, कुछ सीखा दोपहर लगी हुई है। मैं चलो ठीक हो गया। तो ये हैं हमारे पप्पा जान जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। तो ये बाजार गए हुए थे, गर्मी काफी ज्यादा है, आते आते बाजार से आपको बताया कि आजकल बंदे का जो दिमाग है वो एक जगह पे सेट नहीं रहता। तो आते ही थोड़ी देर रेस्ट किए है अभी, तो आते ही अभी हमने खाने पे बिठा दिया कि आ जाए कि हमारे साथ खाना खाएं। हम इनका ही वेट कर रहे थे क्योंकि ये बाजार गए हुए थे। तो अभी खाना भी खाते हैं और गपशप भी लगाते हैं। चलो आप आराम से बैठ जाओ, पानी ठंडा लेके आए, गर्मी थोड़ी, गर्मी ऊपर इतनी ज्यादा। लो जी, मेरे भतीजा ने ज़ुबैर साहब, इन्हां दी वाइफ हीरा बीबी, ते भतीजी है साडी माशाल्लाह। जब से शादी हुई है तब से पप्पू जी हमें कह रही थी कि आप आओ हमारे यहाँ, यहाँ पे दावत है आपकी, आओ। लेकिन घर की मजबूरियां थी जिनकी वजह से हम यहाँ पे नहीं आ सके। तो अब थोड़ा सा टाइम फ्री मिला है तो हमने कहा कि चलें आए, अब जो आगे ना पप्पू का जो गीला है वो भी दूर कर देते हैं। खान तो बाद ही लाइट गई है, कितने खान तो पहले नहीं चली गई। हां पहले ग्लास ये ना मैं बोतल दे पा रोटी तो मैं बता रहा हूं, देखो रोटी नहीं चली है। एक
तेरा कुछ होंगी हसदी है मामू दिन गलत सुन सुन के कहना एक रोटी छाबे चकी दी लेकिन चकी नहीं चो दो निकल आई मेरी आदत है मैं चीज फालतू बना के रख दी काम नहीं बना के रख दी दो चार लुकमे उस तो बाद क्या पास सही गल है मैं कुछ खा नहीं सकती ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा माशाल्लाह सही खाते ने और इन्हों का हजम नहीं होता मैं सुबह भी जानी हाँ यार पैदल अद्धा घंटा वाक कर दी उस तो बाद बच्चा नाश्ता वगैरह बनाया सब मैं नाश्ता कराता मैं बहुत देर में नाश्ता करती हल्का जहा इन्ना नहीं ज्यादा खाया जाता हूँ देखो की खाता समझे सवियां खादियाँ नहीं खा के खादी जानी मतलब कि इन्ना ज्यादा नहीं खा होता जब दो नाले मैं बस रोटी दे लिया और अपने वास्ते मैं कद्दू लिया कद्दू बनावे शाम को और ए वाली वीडियो से इतने एंड करते खाना अं सारे खा चुके हैं ए वाली वीडियो से इतने एंड करते हैं साड़ी अज की वीडियो मेरे भैन बहन अच्छी लगे पसंद आए लाइक करो शेयर करो कमेंट में सू जरूर दस्यो सानू दिओ इजाजत अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।